बैंक ऑफ इंडिया के आप लोग एम्प्लॉय हैं, आप लोग आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी विभिन्न मांगे हैं जिसमें जो स्टाफ की कमी हम झेल रहे हैं, मुख्य एजेंडा वो है। उसके बाद हमारे बहुत सारे सेटलमेंट हैं जिनको हमारा मैनेजमेंट लागू नहीं कर रहा है, जैसे उसमें वर्किंग आवर्स के कुछ बातें आती हैं, पोस्टिंग की बातें आती हैं, उन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं 27 तारीख को, और ये पूरा नेशन वाइड स्ट्राइक होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ यूनियन का। अच्छा, आपके प्रबंधक महोदय कहाँ हैं? ये इस यूनियन हमारा क्लर्क्स यूनियन है। अच्छा, बैंक में भी दो तरह के यूनियन है, एक ऑफिसर एसोसिएशन है, एक क्लर्क्स यूनियन। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगे। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड। अच्छा, तो हम क्लर्क्स यूनियन की तरफ से हैं, ऑफिसर्स अभी इन्वॉल्व नहीं हुए इसमें, क्योंकि हमारे जो नीचे कैडर के लोग हैं उनका ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो हम यूनियन का काम है कि अपने लोगों का मतलब प्रोटेक्शन करना, उनकी वर्किंग आवर ज्यादा है, काम ज्यादा लिया जा रहा है आप लोगों से, ऐसा जी स्टाफ की कमी है। एक स्टाफ बहुत सारा काम करता है। जी बहुत सारा काम करता है। पहले कम से कम एक ब्रांच में 4-5 आदमी हुआ करता था, लेकिन अभी उसको मिनिमाइज करके 1-2 पर हो गया है। तो इसलिए हम लोग कस्टमर को बढ़िया से सर्विस नहीं दे पाते हैं। मेन कारण यही है कि स्टाफ की कमी। तो आगे आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप, आगे 27 को बता रहे हैं, 27 के ये प्रदर्शन में क्या ऑल इंडिया? जी कौन सा यूनियन? मैं बता रहा हूँ, आज हम लोग कार्य करके अपना जो भी वर्किंग आवर है कंप्लीट करके यहाँ आए हैं। 27 तारीख को ऐसा नहीं होगा, उस दिन हम कार पे नहीं जाएंगे, कोई हमारा साथी नहीं जाएगा, उस दिन बैंक बंद रहेंगे और बैंक ऑफ इंडिया बंद रहेगा, बैंक ऑफ इंडिया सारे। और आप बताइए किस लिए आज ये सारा मामला है? हमारे अधिकारियों के खिलाफ है, हमारी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए ये स्ट्राइक है। आपके बैंक के, बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं, जी जो आला अधिकारी हैं, जी वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के हक हकूक को वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, मारा जा रहा है। जी परिचय बता दीजिए। हमारा नाम प्रशांत है, सिवान बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ। क्या है आप? हम अभी कैशियर हैं। कैशियर हैं आप? ऋषभ कुमार, तीतरा शाखा, कैशियर। बागेश कुमार राम, प्रधान रुकरिया, तीतरा शाखा। हमारा मैनेजमेंट के खिलाफ ये स्ट्राइक है। हमारा यूनियन है, क्लर्क का यूनियन है, वो मैनेजमेंट के खिलाफ कर रहे हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, कम लोगों से ही पूरा काम करा रहे हैं। एक ब्रांच जहाँ 5 लोग चाहिए वहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं, तो वो प्रेशर हमारे ऊपर ही आ रहा है, वो बर्डन हमारे ऊपर ही आ रहा है। और फिर बहुत सारा ऐसा मुद्दा है जिसके तहत हम लोग मैनेजमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक। एंड ऑफ द डे ये कस्टमर्स ही आपके इसको, उन्हीं को जो है अफेक्टेड होना पड़ता है, उनकी सर्विस। देखिए, काउंटर पे हम कस्टमर से बात करते हैं, हम उनका प्रॉब्लम जानते हैं, हम उन्हें देख रहे हैं कि वो किस प्रॉब्लम से ये कर रहे हैं, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हम सबको ही को लेकर नहीं ना चल सकते हैं, अगर हम एक हैं तो हम 10 लोगों का काम नहीं ना कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है काम, वो ये कस्टमर पे हो रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कस्टमर डीलिंग ये लोग कर रहे हैं, तो ये लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब समझना चाहिए उन्हें। मेन प्रॉब्लम यही है, अगर कस्टमर को प्रॉब्लम होगा तो बैंक को प्रॉब्लम होगा, तो ये मैनेजमेंट को। हम नेहा कुमारी, सिवान शाखा से, लिपिक, बैंक ऑफ इंडिया। मजबूरी है, अरे शौक नहीं मजबूरी है।